यार जल्दी करो, क्या कर रही हो तुम? शीना आफिया पर खफा हो रही थी, लेकिन मजाल है जो वो सुन रही हो। मगन सी अपनी नोटबुक में कुछ लिखे जा रही थी। क्लास ब्रेक हो गई थी, सारी लड़कियां क्लास से निकलकर ग्राउंड की तरफ गई थी जहां स्पोर्ट्स मुकाबलों की तैयारियां हो रही थी। कुछ ने कैंटीन का रुख किया था स्नैक्स वगैरह लेने के लिए। क्लास में सिर्फ आफिया और वो ही बची थी। आफिया बोर्ड पर से टीचर का लिखा अपनी नोटबुक में लिख रही थी और शीना उस पर झुंझला रही थी। उसे भी ग्राउंड जाना था। यार बस थोड़ा सा रह गया है, फिर चलते हैं, वो लिजाजत से बोली, साथ में जल्दी जल्दी पेन चलाने लगी। बाद में लिख लेना आफी, मेरी नोटबुक से लिख लेना, बल्कि मैं नोट्स बनाऊंगी तो तुम्हें भी दूंगी। फिक्र क्यों करती हो, मेरी फ्रेंड हो यार, तुम फेल कभी नहीं होगी। मगर आफिया पर असर नहीं हो रहा था। वो लिखे गई तो शीना थक हार कर उसके पास आ बैठी। वो दोनों हमेशा एग्जाम्स के लिए कंबाइंड स्टडी करती थी। कई बार आफिया उनके घर आ जाती थी या वो वहाँ चली जाती, ज़्यादातर आफिया ही आती थी। स्टडी में नोट्स शीना के इस्तेमाल होते थे क्योंकि वो बहुत अच्छे होते थे। वो टीचर्स के लेक्चर से हर अहम पॉइंट पिक करने में माहिर थी। लेकिन आफिया पर अपने नोट्स बनाने की धुन सवार रहती। अब भी उसकी सुने बगैर वो लगी हुई थी। ऊपर से ब्रेक का टाइम निकला जा रहा था। ठीक है, तुम बैठकर नोट्स बनाती रहो, मैं चलती हूँ ग्राउंड में, तुम फिर आ जाना, ठीक है? वो मुस्कुराहट दबाते हुए आफिया से बोली। जानती थी आफिया उसके बिना यहाँ नहीं बैठना चाहेगी। ठीक है, तुम बैठकर नोट्स बनाती रहो, मैं चलती हूँ ग्राउंड में, तुम फिर आ जाना, ठीक है? वो मुस्कुराहट दबाते हुए आफिया से बोली। जानती थी आफिया उसके बिना यहाँ नहीं बैठना चाहेगी, जल्दी से उठ जाएगी। और वही हुआ, आफिया सटपटा सी गई। यार साथ में चलते हैं ना, बैठो, आफिया ने झुका सर उठाया, फिर जैसे मिन्नत की। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि साथ में चलते हैं ना, उठो चलें। शीना ने उसके हाथ से पेन लिया, फिर नोटबुक लेकर उसके बैग में डालने लगी। फिर खफा खफा सी जुजबुज होती आफिया को खींचती बाहर ले आई। मेरी जान, मैं तुम्हें अपने नोट्स दूंगी ना, क्यों फिक्र करती हो? तुम्हें पता ही है मेरे नोट्स क्लास में सबसे बेस्ट होते हैं, तुम्हें तो फोटोकॉपी करा के दूंगी। अब ग्राउंड जाने का वक्त है, उछलने कूदने का, और तुम नोट्स बना रही हो, हाउ बोरिंग। शीना अपनी खफा सी फ्रेंड को खुशगवार से अंदाज में पिचकार रही थी। दोनों क्लास से बाहर निकल आई और लॉन के दरमियान रविश पर चलने लगी। मैं नोट्स इसलिए बना रही थी ताकि कभी अम्मा बाबा मेरी नोटबुक चेक करें तो उन्हें कुछ लिखा हुआ तो नज़र आए। अगर नोटबुक खाली होगी तो वो क्या बोलेंगे कि लड़की क्या करती रहती है कॉलेज जाकर? आफिया मुंह बनाकर बोली तो शीना खिलखिलाई थी, फिर अपना बाजू उसके कंधे पर रखा। वो उसे अजीज़ थी। चलो रैकेट्स ले लें, फिर ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। जूंजू मुकाबलों के दिन करीब आ रहे थे। शीना पुरजोश हो रही थी। हारना शायद उसकी शख्सियत का हिस्सा ही ना था। दोनों स्पोर्ट्स ब्लॉक की तरफ आईं, मगर वहां आकर दोनों के मुंह लटक गए। वहां बैडमिंटन रैकेट्स नहीं थे, उनके पास कम तादाद में रैकेट्स थी और वो सभी लड़कियां उनसे पहले आकर ले जा चुकी थी। वो दोनों लेट हो गई थी आफिया के नोट्स लिखने की वजह से। अब क्या करें, आफिया ने खफीफ सी होकर पूछा तो शीना ने ठंडी आह भरी। अब क्या कर सकते हैं, वैसे ही चलते हैं ग्राउंड में। वो ग्राउंड की तरफ आई तो वहां शीना की तेवरी चढ़ गई। आकर नेहा और उसकी कई फ्रेंड्स हाथों में रैकेट्स लिए घूम रही थी और खेल भी नहीं रही थी। साफ जाहिर था कि वो वहां से रैकेट्स जानबूझकर उठाकर लाई हैं, क्योंकि वो जानती थी कि शीना को खेलना है। उस दिन के झगड़े के बाद उसे ये तंग करने और खेलने से रोकने का नया तरीका था। नेहा अपनी फ्रेंड्स के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, साथ उसकी तरफ भी देख रही थी। शीना को शदीद गुस्सा आने लगा, उसके गाल दहक उठे थे। चलो इनसे बात करते हैं, इन्होंने खेलना नहीं था तो रैकेट्स क्यों ली? वो भन्नाई हुई सी उनकी तरफ जाने लगी कि आफिया उसकी राह में आ गई। नहीं शीना, प्लीज़ उनकी तरफ मत जाओ। जानती थी कि शीना बात करने जाएगी तो झगड़ा ही होना है। इन्हें खुश हो लेने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कल से हम दोनों ही अपनी रैकेट्स ले आएंगी। वो समझा बुझा के शीना का गुस्सा ठंडा करने लगी। चलो कैंटीन चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, वो बाजू से पकड़कर उसे खींचने लगी तो शीना होंठ भींचे उसके साथ चल दी। नेहा अपनी शामत को आवाज़ दे रही है, मामा सोफे पर बैठी दिल ही दिल में वजीफा पढ़ रही थी, उनके लब हिल रहे थे। वो धम से उनके करीब आन बैठी। मामा क्या पढ़ रही हैं आप छुप छुप के, आवाज़ भी नहीं आ रही, वो शोखी से बोली। मुझ पे भी फूंक मारे ना, नगीना ने प्यार से उसका चेहरा करीब करके पढ़ा हुआ सबक उसके चेहरे पर फूंका। थैंक यू मामा,
अब तो मैं हर आफत और मुसीबत से महफूज हो गई हूँ ना आपके बकौल, उसकी शरीर सी आवाज़ पर नगीना के होंठ मुस्कुराए। वैसे आप मेरी बहुत अच्छी मामा हैं, आई लव यू सो मच, वो उनसे लिपट गई। उस दिन मुझे आप पे बड़ा प्यार आया था जब आपने शमसा खाला को भगाया था, बड़ी आई मेरा रिश्ता लेने वाली। वो हंसी तो मामा ने उसे खफगी आमेज तंबीही नज़रों से देखा। ऐसे ना बोलो बेटी, वो बड़ी हैं और तुम्हारे लिए रिश्ते तो अब आएंगे ही, तुम अब छोटी नहीं रही हो, वो बोली तो शीना नाराज़ सी हुई, फिर उनकी गोद में सर रख कर लेट गई। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को मेरे लिए रिश्ता लाने की, मैंने शादी करनी ही नहीं है, आप सबको बता दें मेरी बात। वो उनकी गोद में सर रखे बोले जा रही थी, और वैसे भी अगर कोई मेरे लिए रिश्ता लेके आया ना तो आप हैं ना मेरी मामा, आप साफ इनकार कर देना मेरी जगह। वो आंखें बंद किए बोले गई। उसकी बात सुनकर नगीना के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया, आंखों में यासियत घुल गई। वो आने वाले तूफान से बेखबर थी, और अगर मैं किसी रिश्ते के लिए इकरार कर लूँ तो? वैसे शमसा आपा को इनकार तुम्हारे बाबा ने किया था, शीना खफा सी हुई। नहीं मामा, आप मेरे लिए आने वाले किसी रिश्ते को इकरार कभी मत कीजिएगा। अगर शमसा खाला को इनकार बाबा ने किया था तो मैं बाबा से कहूँगी कि हर रिश्ते को इनकार करें, बाबा मेरी बात नहीं टालेंगे, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आप दोनों के साथ रहना है हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं होता बेटा, बेटियां पराया धन होती हैं, उनकी परवरिश करके उन्हें किसी को सौंपना पड़ता है। उनका दिल कटा जा रहा था, हिम्मत नहीं थी उसे बताने की कि उसका रिश्ता तय हो चुका है, जल्दी रुखसती है। अब ऐसा होगा मामा, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, सब मुझसे प्यार करते हैं, मैं क्यों जाऊँ घर छोड़ कर? वो खिलखिला कर हंसी। फिर यकलख्त उसे कुछ याद आया, मामा आप कल रो क्यों रही थी? उसने अचानक से चेहरे पर सादगी लिए पूछा तो नगीना के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। कब की बात कर रही हो, मैं कब रोई? उन्होंने आंखें चुराई तो शीना ने खफगी से उन्हें देखा। कल जब मैं किचन में खाना खा रही थी तो आप अचानक रोने लगी थी मामा, क्यों रोई थी आप? वो सरापा सवाल बन गए। वैसे ही तबीयत ठीक नहीं थी बेटा, उन्होंने आंसुओं को पीछे धकेलते हुए उसके बालों में हाथ फेरा। लाओ तुम्हारे बालों में तेल लगा दूँ, खुश्क हो रहे हैं। बाल ठीक है मामा, आप मुझे बताएं कि आप क्यों रो रही थी प्लीज़। वो उनकी मौजू बदलने की कोशिश नाकाम बना गई तो नगीना ने उसे बेबसी से देखा था, वो उन्हें कैसे बताती कि वो उसे खुद से जुदा करने वाली हैं, लेकिन उसे तो बताना ही था, उस पर यह पहाड़ तो तोड़ना ही था। तुम्हारे ख्याल से रो रही थी बेटा, सोच रही थी जब तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी तो मैं किससे बातें करूंगी, कौन होगा मेरे साथ, बच्चे सब मसरूफ हो जाते हैं शादियों के बाद, शादियों के बाद वालदैन का ख्याल तक नहीं रहता उन्हें, उनके जब्त के बंध टूटने लगे थे। आंखें फिर भर आ गईं, आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पर लुढ़क आई। शीना मुस्तरिब से उठ बैठी, रोए नहीं मम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैं हमेशा आपके पास रहूँगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो उनसे लिपट कर उन्हें दिलासा दे रही थी, मगर उनकी सिसकियाँ बुलंद तर हुई। अब वो उसे खुद से लपेट कर शिद्दत से रो रही थी। शीना बौखला गई, हाथ पांव फूल गए थे। ऐसा नहीं होता मेरी बच्ची, सब लड़कियों ने बाबुल का घर छोड़कर जाना होता है, औरत की ज़ात का अलमिया है ये, जिस घर को अपना समझकर बड़ी होती है वो घर उसका होता ही नहीं, उसे पराई जगह जाकर अपना आशियाना फिर से बनाना पड़ता है। वो उसे साथ लिपटाए फूट फूट कर रो रही थी। बहुत जल्द तुम भी विदा हो जाओगी, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो शादी कराना चाहते हैं, वो रोते हुए उसे बता रही थी। वो जो उन्हें चुप कराने की कोशिश में हलकान हो रही थी उनकी बात सुनकर थम सी गई, आसमान जैसे उस पर आन पड़ा हो। शल बेहिस्सी वो उन्हें देखती रही। इदरीस आ रहा है आज, तुम्हारे बाबा ने बुलाया है उसे, वो आए तो मेरे साथ मिलकर तुम्हारी शॉपिंग करा देगा। मामा आंसू बहाती न जाने क्या कहे जा रही थी, उसे सुनाई नहीं दे रहा था, आसाब सुन से हुए थे, आंखें पथरा गई हों जैसे। वो कमरे के वस्त में आयन उसके सामने खड़ी, बदन पर तारी कपकपी पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वो सुर्ख जोड़ा जिसे वो बदल चुकी थी, वो भारी भरकम जेवर जिन्हें वो नोच कर फेंक चुकी थी, वो उन्हें वापस पहनने को कह रहा था। उरूसी सुर्ख जोड़े से उसे करेहत महसूस हुई थी, तभी उसने उसे बदला था। ना दुल्हन बनने में उसकी मर्जी शामिल थी, ना उस जोड़े को पहनने में, फिर वो उसे क्यों पहने रहती?
ये जेवर तो वो तोक थे जो उसे पहनाए गए थे। उसके गुम होते हवास वापस लौटने लगे, लब गुस्से से भींच गए थे। उसने आंखें खोलकर उस आदमी को पहली बार देखा, आंखों में आग सी जल उठी थी। फिर जोर से उसका हाथ झटक दिया जो वो उसकी ठोड़ी तले रखे हुए था। शीना दरवाज़ा खोलो, नगीना दरवाज़ा पीट पीट कर दुहाइयाँ दे रही थी। दरवाजे के पास ही दानिश, इदरीस और उस्मान फरुख भी खड़े थे। उस्मान फरहा भी खड़े थे। शीना को दरवाज़ा बंद किए एक दिन से ऊपर होने को था। वो कल से बाहर नहीं आई थी, ना कुछ खाया पिया था। बेटा दरवाज़ा खोलो प्लीज़, नगीना ने जैसे इल्तजा की थी। फिर शिकवा कुना नज़रों से उस्मान को देखा जो चेहरे पर सख्ती लिए खामोश खड़े थे। क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ, प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। अंदर से शीना की रुंधी हुई आवाज़ आई थी, जैसे रो रो कर गला बैठ गया हो। मुझे बाहर नहीं आना, ना ही किसी से बात करनी है मुझे, अंदर ही मर जाने दे मुझे। जब मैं मर जाऊंगी ना तो निकाल कर दफना दीजिएगा। वो जैसे दर्द से चीखी थी। नगीना की आंखों में फिर से आंसू तैरने लगे। शीना की यूं शादी करा देने की आपको क्या सूझी है बाबा, दानिश हैरत सदमे और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ उस्मान से सवाल कर रहा था। आप प्लीज़ ऐसा मत करें उसके साथ, जबकि हमें बल्कि किसी को भी नहीं पता कि उसकी शादी किससे होने जा रही है। इस फैसले पे सबसे ज़्यादा गुस्सा उसी को था। उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह ये सब रुकवा दे, मगर बाबा का फैसला अटल था। वो पेचोताप खा रहा था। शीना को ऐसे देखना बहुत तकलीफ दे था। तुम नहीं समझते इन बातों को, इसलिए खामोश रहो तो बेहतर है। मैंने सोच समझ के और इस्तखारा करके ये फैसला लिया है। शीना की शादी का इससे बेहतर वक्त कोई नहीं है। सब उनसे नाला थे, लेकिन उनका अंदाज बेलचक था, जैसे वो अड़ गए हों। क्या हम अपनी इकलौती बेटी को ऐसे रुखसत करेंगे, नगीना सिसकी थी। उस्मान ने उन्हें सख्त नज़रों से घूरा। बंद करो ये रोने का ड्रामा, ये कोई नया काम नहीं हो रहा, शादी ही हो रही है जो सब लड़कियों की होती है। शीना की शादी की उम्र हो गई है, मैंने उसके लिए दुल्हा चुना है, अच्छा खासा लड़का है, जाकर मिल लो उससे, अगर नहीं मिले तो बैरिया टाउन वाले बंगले में है वो धाड़े थे। दानिश उठकर तनफन करता कमरे से बाहर निकल गया। अगर वो कुछ देर और बैठा रहता तो उसके मुंह से कोई सख्त बात निकल जाती जिस पर उसे बाद में पछतावा होता। ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। बाकी लोग जैसे उस्मान से एहतजाज कर रहे थे, मगर वो किसी की नहीं सुन रहे थे, अपने मौकफ पर डटे हुए थे। यकलख्त कमरे में खामोशी छा गई, जैसे सबको सांप सूंघ गया। शीना कमरे में दाखिल हुई, न जाने किस वक्त कमरे से निकली थी। रंगत जर्द हो रही थी, आंखें सुर्ख अंगारा सी, रो रो कर सूझ चुकी थी। कदम जैसे लड़खड़ा से रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो उस्मान के सामने आ खड़ी हुई थी। निगाहें यूं उनकी आंखों में डाली थी जैसे अपना कसूर पूछ रही हो। वो नजरें चुरा गए, जैसे बेटी की आंखों में झांकने की ताब ना हो। ये वही उस्मान दाऊद थे जो बेटी पर जान छड़कते थे, आज आंखें नहीं मिला रहे थे। शीना की आंखों से चंद आंसू टूटकर गालों को नम कर गए। वो जैसे खामोशी की जुबान से रहम की भीख मांग रही थी। वो तो उसकी मामूली सी तकलीफ पर तड़प जाते थे, आज पता नहीं क्यों उसके बेतहाशा रोने पर भी खामोश थे। उसका ख्याल था कि उस्मान उठकर उसे अपने गले से लगा लेंगे, मगर उसकी ये आरजू पूरी नहीं हुई। वो नम आंखों से मुस्कुराई, फिर आंसुओं को पोंछा। इस मुस्कुराहट के पीछे हजारों सिसकियां और आहें थी। ठीक है बाबा, अगर आपने मुझे अपने हाथों से ज़िबा करने का फैसला कर लिया है तो मुझे ये कुर्बानी देना कबूल है, वो बोली तो आवाज़ में आंसुओं का जायका पिघला हुआ था। मशरिकी बेटी हूँ ना, सब हम ही से ही कुर्बानी मांगते हैं। ठीक है, अगर आपकी ये मर्ज़ी है तो मैं अब नहीं रोऊंगी, जीती जागती लाश बनकर रह लूँगी, मगर अब रोऊंगी नहीं, उस पार्ट सी आवाज़ में बोले गई। चेहरा पत्थर का हो रहा था और वो वाकई इसके बाद नहीं रोई। उसका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था, जैसे वो मुस्कुराना भूल गई थी। हंसने हंसाने खिलखिलाने वाली लड़की के चेहरे पर एक सोगवार खामोशी ने डेरा डाल लिया था। आंखें किसी उजड़े हुए खंडर की तरह वीरान थीं। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। करीब के कई रिश्तेदार आ चुके थे। दबी दबी सरगोशियां घर में गूंज रही थी। उस्मान किससे करा रहा है बेटी की शादी? भाई कोई लड़का है जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, लावारिस है, उस्मान उसे दामाद बना रहा है। तोहफ़ा है उस्मान पर, खानदान में इतने अच्छे रिश्ते छोड़कर बेटी की शादी बाहर करा रहा है। उस्मान का दामाद यतीम खाने में पला बढ़ा है, उसका कोई नहीं,
अजीब अजीब चैमी गोइयाँ थी जो घर में गूंज रही थी। गर्ज जितने मुँह उतनी बातें। शीना ये सब सुनती रही थी। उसने अपनी जात को एक खोल में बंद कर दिया था जहाँ उसे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। कोई खुशी महसूस नहीं होती थी, कोई दर्द तकलीफ नहीं देता था। वो जिस तकलीफ से गुजर रही थी उसके आगे सब भेज था। नगीना उसे देख देख कर रोती थी। सबसे ज़्यादा अगर किसी को मलाल था तो वो दानिश था। अगर उसके बस में होता तो सब तहस नहस कर देता। आज वो कई दिन बाद फूट फूट कर रो पड़ी थी। शादी से पहले वो आखिरी बार कॉलेज आई थी। आफिया से मिलकर सब के बंधन टूट गए थे। आफिया जितनी रंजीदा थी उतनी बरहम भी। अंकल इतने वेल एजुकेटेड होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो सिर्फ देहातों में होता है जहाँ लोग भेड़ बकरियों की तरह बेटियों को किसी के घर छोड़ आते हैं। वो रो रो कर हलकान शीना को संभालती, जले दिल के फफूले फोड़ रही थी। शीना खामोश सी आंसू बहाती सुने गई। उसके पास था ही क्या जो वो बोलती। दिल की बस्ती वीरान हो चुकी थी। घर में ढोलकी की थाप गूंजने लगी। शीना ने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। मामा शॉपिंग से लाए गए कपड़े, जूते और दीगर चीज़ें लाकर उसके कमरे में उसे दिखाती, जिन पर वो एक नज़र डालना भी गवारा ना करती। वो बोझल दिल से वापस लौट जाती। उस दिन आफिया आई थी। ड्राइंग रूम में बैठी थी कि नगीना बेगम उसके पास आन बैठी। उनकी सूरत पुजमुर्दा सी हो रही थी। एक तो कामों का तामझाम जिसे करके वो हलकान हो रही थी, ऊपर से शीना का दिल दुखाने वाला रवैया किसे कसूरवार ठहराती। आफिया बेटी तुम ही समझाओ उसे, कमरे में बंद होकर बैठ गई है, ना बाहर आ रही है ना किसी से बात कर रही है। वो बेहद दिल गिरफ्तार थी। रुखसती के लिए ब्राइडल ड्रेस लेना है उससे, उसकी पसंद पूछो उससे, मुझे तो कुछ नहीं बता रही। आफिया ने उनका हाथ थाम कर दिलासा दिया। आप फिक्र ना करें आंटी, मैं बात करती हूँ उससे, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, उन्हें तसल्ली देती वो ऊपर उसके कमरे की तरफ आई थी। दरवाज़ा लॉक था। उसने दस्तक दी। क्या बात है? अंदर से शीना की बेजार सी आवाज़ सुनाई दी। उसके होंठ भींच गए। मैं हूँ शीना, दरवाज़ा खोलो, उसने पुकारा तो चंद लम्हे के लिए खामोशी छाई थी, फिर दरवाज़ा खुल गया। आफिया अंदर आई और धक से रह गई। शीना का हुलिया बिखरा हुआ था, बाल गुंजल बने पड़े थे, आंखें सूजी हुई थी। ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है शीना? वो बेख्तियार फट पड़ी। शीना बेपरवाह सी वापस जाकर बेड पर बैठ गई। तुम्हारी शादी हो रही है, खुदा ना खास्ता कोई मातम नहीं हुआ जो तुम इस तरह का हुलिया बनाए बैठी हो। तुम्हें पता है कि आंटी कितनी परेशान हो रही हैं? वो बड़ा फरोख्ता हो रही थी। शीना ने उसे जख्मी नज़रों से देखा। मातम ही हुआ है आफी, तुम्हारी फ्रेंड को मार दिया इन्होंने और अब दफन करने वाले हैं। उसकी आवाज़ में इतना कुर्ब, इतना खालीपन था कि आफिया साकित रह गई। फिर झट से उसे अपने करीब करके लिपटा लिया। क्यों ऐसी बातें करती हो पगली? तुम अपने साथ अपने प्यारों को भी तकलीफ़ दे रही हो, और जो तकलीफ़ ये लोग मुझे दे रहे हैं उसका क्या? वो जैसे कराही थी। आफिया चुप सी हो गई। देखो, जो होना है वो हो रहा है और हो कर रहेगा, क्यों ना बेहतरी की उम्मीद लगाकर उसका सामना किया जाए। वो उसे साथ लिपटाए उसके जलते जख्मों पर तसल्लियों के फाहे रख रही थी। मैं ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगा सकती आफिया, यूं लग रहा है ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो रही है। उसकी आवाज़ में छुपी यासियत से आफिया का दिल कटने लगा। मैंने तुम्हारे दूल्हे की तस्वीर देखी है, अच्छा खासा हैंडसम है। तुम्हें याद है एक बार हम शॉपिंग मॉल गए थे, वहाँ एक सेल्समैन था, दूल्हा बिल्कुल उसके जैसा है, बहुत ही शानदार। वो खुशगवार से अंदाज में उसे बताकर उसके ऊपर से उदासी का खोल उतारने की कोशिश करने लगी। शीना का चेहरा हनूस पार्ट सा बेतासुर सा रहा। आफिया झुंझला सी गई। तुम कितनी फजूल हो गई हो शीना, उठो चलो शावर लो, ढोलकी वाली जगह आकर बैठो। और आंटी कह रही थी कि ब्राइडल लहंगा लेना है तो उसका कलर और डिज़ाइन सिलेक्ट करो। कफन का कलर और डिज़ाइन कैसा है, इससे मरने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आफिया, शीना तलखी से बोली तो आफिया ने सर पकड़ लिया। निकाह नामे पर साइन करते वक्त उसने पहली बार उसका नाम देखा, हसीब जलाल, और उसे उस नाम से शदीद नापसंदीदगी बल्कि नफ़रत सी महसूस हुई। हसीब जलाल, तुमने जो फैसला किया है ना मेरी ज़िंदगी तबाह करने का, उस पर तुम्हें पछताना पड़ेगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी अजाब कर दूँगी। वो दिल ही दिल में अपने साथ अहद कर रही थी। आंसू पलकों तक पहुँचाए थे, होंठ सख्ती से भींचे हुए थे। दानिश अपने कमरे में चकरा रहा था। शीना का निकाह हो चुका था, उसके बस में ना था, वरना अपनी जान से प्यारी बहन को यूं बाबा की ज़िद की भेंट।
कभी ना चढ़ने देता। वो बाबा से खफा था, कई दिन हुए उनसे बात भी ना की थी। वो बेचैन सा कमरे में टहलता सुर्ख दबीज कालीन को पैरों तले रोंद रहा था। उसे किसी का इंतज़ार था। यकलख्त उसके फ़ोन की घंटी बजी। बेताबी से फ़ोन निकाल कर उसने स्क्रीन पर देखा, फिर कॉल कनेक्ट करके फ़ोन कान से लगा दिया। हाँ बोलो, क्या बना मेरे काम का, इस्तफसार किया गया। आपका काम हो गया है, दूसरी तरफ से भारी गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने आपके मतलूबा बंदे के बारे में मालूमात हासिल की हैं। हसीब जलाल बहरिया टाउनशिप वाले बंगले में शिफ्ट होने से पहले मेटल प्लाजे के ऊपर बने रिहायशी फ्लैट्स में रहता था। मेरी मालूमात के मुताबिक ये आदमी कोई रेगुलर जॉब नहीं करता, कभी कभार इसे सूट में आते जाते देखा गया है। इसके पास पैसे की रेल पेल रहती है, मगर आमदनी का ज़रिया मालूम नहीं। मजमूई तौर पर खासा मशकूक आदमी है। ये बात सुनकर दानिश के होंठ भींच गए, चेहरा पथरीला हुआ। ठीक है, तुम उसकी सुनगुन में लगे रहो, कोई नई बात मालूम हो तो मुझे उसी वक्त बताना। कॉल काट कर उसने फ़ोन बेड की तरफ उछाला, फिर एक हाथ का मुक्का दूसरे हाथ की हथेली पर मारा। ये इत्तला निकाह के बाद आई थी। वो कैसे अपनी बहन को ऐसे इंसान से बचा सकता है जो मशकूक हो, वो कमरे में चकराता सोच रहा था। रफ़ी अपने फ्लैट में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। आज उसके यार की शादी थी, बारात में चंद ही घंटे रहते थे। शुरू में उसे हसीब की शादी का फैसला पसंद नहीं आया था, मगर वो अपने यार की खुशी में खुश था। अलबत्ता सनम काफ़ी नाराज़ थी, बल्कि बुरी तरह बरहम थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हसीब से लड़ पड़ती। अपनी धुन में मगन वो तैयारी कर रहा था कि डोरबेल बजी, सनम ने आना था। फिर वो दोनों साथ ही वहाँ जाते। वो मुस्कुराया और दरवाज़े पे लगा लॉक खोल दिया। दरवाज़ा एक धमाके से खुला था। वो लड़खड़ा कर रह गया, आंखें तहय्युर से फैल गई थी। एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आकर पिस्तौल की सर्द नाल उसकी कनपटी पर रख चुका था। रफ़ी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, आंखों में खौफ जम गया। कौन हो तुम, वो हकलाया। सामने वाले 6 फुट से ज़ायद कद का बेहद मजबूत जिसामत रखने वाला आदमी तलवार मार का मूँछें चेहरे को हैबतनाक जिसके बना रही थी। ऊपर से उसकी कोयले जैसी झुलसी हुई नाक रफ़ी पर कपकपी तारी हुई। हसीब कहाँ है, वो गुर्राया, फिर पिस्तौल उसके माथे पर रख कर चबोया। रफ़ी ने आंखें बंद कर लीं, उसे लगा कि आखिरी वक्त तान पहुँचा है। हसीब यहाँ नहीं है, तुम कौन हो, वो रुक रुक के बोलता अपने हवास बहाल करने की कोशिश करने लगा। कोई सवाल मत करो, मदे मुकाबिल का लहजा बेहद खुरदरा था। मुझे बताओ वो कहाँ है, या मुझे वहाँ ले चलो। ठीक है, मैं ले चलता हूँ, मुझे ज़रा मौका तो दो, आज उसकी शादी है, वो खौफ पर काबू पाने की कोशिश करता कसमसाया। कनपटी पर रखी नाली उसे दहला रही थी। वो आदमी ज़रा सा चौंका। शादी, वो फिर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा, जैसे तस्दीक चाह रहा हो। हाँ, उसकी शादी है, रफ़ी थूक निगल कर बोला तो उसके चेहरे पर बेइंतहा की सख्ती सिमट आई। मुझे ले चलो वहाँ, उसकी आवाज़ में दबी दबी गुर्राहट थी। रुखसती का वक्त आन पहुंचा था। हसीब सुनहरी और सफ़ेद शेरवानी में मलबूस सेहरा पहने गाड़ी में बैठ रहा था। गले में कई हार थे जो उसे पहनाए गए थे। चेहरे पर मुसर्रतों की धनक बिखरी हुई थी। उसे मनचाहा इंसान जो मिल रहा था। कुछ खवातीन उसे दूसरी तरफ के दरवाजे से उसके पहलू में बिठा रही थी। चेहरा सुर्ख लिबास में पोशीदा था। रफ़ी और सनम कुछ दूर खड़े उन दोनों को गाड़ी में बैठते देख रहे थे। सनम अंदर जाकर दुल्हन देख चुकी थी। वो मुकम्मल हुस्न की मालिक बेहद हसीन लड़की थी। हसीब और वो शायद साथ खड़े होते तो एक परफेक्ट कपल लगते, मगर सनम अंदर ही अंदर जल कुलस रही थी। उसे उस लड़की से दिल ही दिल में नफरत और अदावत महसूस हो रही थी। हसीब ने इससे शादी कैसे कर ली, उसने गाड़ी में बैठती दुल्हन को देखते हुए रफ़ी को टहोका दिया। हसीब ने इसे कहीं देख लिया था, फिर उसने अपना शैतानी दिमाग लगाकर प्लान बनाया, और देख लो हो गई शादी उसकी, वो मुस्कुराता हुआ कह रहा था। कैसा प्लान, सनम ने उसे खोजती निगाहों से देखा। था एक प्लान, वरना कौन इसे रिश्ता देता, कोई भी आजकल छानबीन के बगैर रिश्ता नहीं देता। अगर वो लोग तहकीक करते तो कभी रिश्ता ना देते, हम जुर्म की दुनिया के लोग हैं, इसलिए उसने मंसूबा बनाया था। उसे लड़की अच्छी लगी थी, वो कह रहा था और सनम बेचैन हो रही थी। पूरी बात बताओ, क्या प्लान था, उसकी सुई वहीं अटकी थी। इसने एक पीर को रिश्वत दी थी इसके बाप को बेवकूफ़ बनाने के लिए,
वो हंसा, फिर सनम को देखा, जैसे एहसास हुआ हो कि ये बात सनम को नहीं बतानी चाहिए थी। ये बात किसी को ना बताना सनम, ये हसीब का राज है, नहीं बताऊंगी। वो जलती नज़रों से दुल्हन को देखती याद दहानी करा रही थी। रफ़ी मुतमईन हो गया। एक बात रफ़ी को बेचैन कर रही थी, जो आदमी उसकी कनपटी पर पिस्तौल रख कर उसे यहाँ तक लाया था वो कहीं गायब हो गया था, पता नहीं कहाँ है। उसके इरादे तो बड़े वहशतनाक लग रहे थे। हसीब हर बात से बेखबर मसरूर सा गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठा था। वो सिमटी हुई सी सर झुकाए उसके पहलू में थी। उसका ध्यान बाहर कम और उस पर ज़्यादा था, मगर वो साकित सी बैठी थी। हसीब का दिल किया उसे ज़रा हिला जुला कर देखे कि कहीं बैठे बैठे सो तो नहीं गई, या घूंघट ज़रा सा उठा कर देखे कि वो कैसी लग रही है। वो बेसब्रा हुआ जा रहा था, मगर यहाँ ये हरकतें मुनासिब नहीं थी। ऐसे कामों के लिए वक्त मुकर्रर था। वो सकून से बैठा रहा। वो लोग उसे फूलों से सजे कमरे में मसेरी पर बिठा कर चले गए थे। आफिया भी चंद लम्हे उसके पास बैठी रहने के बाद बाहर निकल गई, तो वो कमरे में तन्हा रह गई। दिल पे बोझ सा पड़ा था, दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे। उसे उस सजे सजाए कमरे से नफरत सी महसूस हो रही थी। दिल किया कि उस जिंदान से भाग जाए, इस कुफर से पंछी बनकर परवाज कर जाए, मगर क्या ये मुमकिन था? उसे अपनी बेबसी पे रोना आ रहा था, अपने नसीब पे दिल आहविजारी कर रहा था। फिर वो उठी और ज्वेलरी को रद्दी की तरह उतार कर फेंक कर सुर्ख जोड़ा तब्दील कर आई। उसे नताइज की परवाह नहीं थी, उसने यहाँ आने का फैसला नहीं किया था। वो क्यों किसी के लिए सज धज कर बैठती? मैंने ये लिबास वापस पहनने के लिए नहीं बदला, और ना ही ये ज्वेलरी दोबारा पहनूंगी। उसने पहली बार जुबान खोली थी, और हसीब जो उससे ज्वेलरी और दुल्हन का लहंगा वापस पहनने का मुतालबा कर रहा था, उसके लहजे में छुपी तलखी और गुस्सा महसूस करके साकित रह गया। आंखें दहक उठी, मगर जब्त का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। तुम मेरी दुल्हन हो और तुम्हें उसी लिबास में होना चाहिए था, उसे बदलने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? वो दबा दबा सा घुर्राया, वो खाइफ नहीं हुई। दुल्हन? रियली मिस्टर हसीब, आपको लगता है कि मैं आपकी दुल्हन हूँ? वो अजीब से अंदाज में हंसी, यूं जैसे तमस्कर उड़ाया हो। क्या तुमने निकाह नामे पर दस्तखत नहीं किए? उसकी आंखें भी सर्दी समेट लाईं। शीना की आंखों में नमी फैलने लगी, मगर तासुरात नहीं बदले। अगर किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे एक कागज पर दस्तखत करा देने से कोई लड़की दुल्हन बन जाती है, तो मैं इस कानून को नहीं मानती। वो दर्द से चिल्लाती उसे दम बखुद करके रख गई थी। आंखों में न जाने कहाँ से इतने आंसू सिमट आए। उसे लगा था वो सारे आंसू बहा चुकी है। जो खेल मेरे घर वालों ने खेला है उसमें आप भी शामिल हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी आप लोगों ने, मैं किसी को मुआफ़ नहीं करूँगी। आंखों में नफरत लिया वो बुलंद आवाज़ में रोने लगी थी। उस लड़की पे पहली नज़र पड़ते ही वो उसके इश्क में गिरफ्तार हुआ था और उसे हासिल करने का तहैया किया था। अब वो उसके सामने खड़ी गाल भिगो रही थी। हसीब होंठ भींचे उसे देखता रहा, फिर उसके हाथ थामने चाहे, वो तड़प कर दूर हुई। मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझे नफ़रत है आपसे, मुझे नफ़रत है अपने घर वालों से, मुझे अपनी ज़िंदगी से भी नफ़रत है। वो रो रो कर बोलती अपने आप में नहीं लग रही थी। कई दिनों का गुबार था जो आंसुओं और लफ्ज़ों की सूरत निकल रहा था। मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल कर आज सुकून की नींद सोएंगे। मुझे लगता था वो प्यार करते हैं मुझसे, मगर नहीं, उनकी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी मुझे घर से निकालना। हसीब हसरत से उसे देखे गया, उसके गालों पर आंसू रवानी से बह रहे थे। वो हाथ बढ़ाकर नरमी से उन्हें साफ करना चाहता था। ये मंजर उसकी बर्दाश्त से बाहर था, मगर डर रहा था कि वो मज़ीद भड़क जाएगी। आप भी सो जाएं, जब मेरे घर वाले मुझसे ये सलूक कर सकते हैं तो फिर आप तो वैसे भी पराए हैं। वो उसे तनफ्फुर से देखते हुए चीखी थी, मैं बाहर जा रही हूँ, ये बात आप अपने दिल से निकाल लीजिए कि मैं आपकी दुल्हन हूँ, नफरत है मुझे आपसे। वो रोते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। हसीब गुमसुम सा कमरे में खड़ा उस जगह को घूरता रहा जहाँ चंद लम्हे पहले वो खड़ी थी। दिमाग सुन था, ये क्या हो रहा था? जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था। उसने अच्छा प्लान बनाया था जो कामयाब भी हो गया था, लेकिन उसका ये रवैया, क्या वो उसकी होकर भी उसकी नहीं हुई? चंद लम्हे वो यूं ही खड़े रहने के बाद दरवाजे से बाहर आया। वो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी थी, उसकी तरफ उसकी पुश्त थी। वो पास आकर सोफे के ओकप में खड़ा हो गया और उसे देखने लगा।
उसके नाजुक जिस्म को झटके लग रहे थे। वो हिचकियों से रो रही थी। हसीब के दिल को कुछ हुआ था। देखो तुम्हारा यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है, अंदर चलो, वो नरमी से बोला। फिर उसके कंधे को हल्का सा छुआ। वो यूं तड़प कर उठी जैसे बिजली की नंगी तार को छूकर करंट लगा हो। चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा और वहशत थी। मैंने मना किया है ना आपको कि मेरे करीब मत आना, वो चिल्लाई। चेहरा हनूस तर बतर था, लेकिन हसीब के औसान उसके हाथ में एक छुरी देखकर खता हुए थे। ये तुम क्या कर रही हो, छुरी कहाँ से आई तुम्हारे पास? वो सही मायनों में बौखला कर रह गया था। रखो इसे बेवकूफ लड़की, उसकी आंखों में वहशत के रंग देखकर वो सहम सा गया था। अगर मेरे करीब आए तो मैं अपनी रग काटने से भी दरेक नहीं करूंगी, वो सुर्ख आंखों में आग लिए बोली। मैं नहीं आ रहा करीब, रखो इसे। मैं तुम्हें यही बताने आया था कि अंदर आओ, यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है, वो ज़रा सा झुंझलाया। अजीब अक्खड़ लड़की थी वो। उसे मशकूक नज़रों से देखती कमरे की तरफ गई और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। लॉक लगने की आवाज़ वहाँ तक आई थी। वो जनूनी सी दरवाज़ा बंद करके खड़ी रही। छुरी हाथ में थी और आंखों से आंसू रवा थे। अगर ये इंसान कभी इसके करीब आया तो वो इस छुरी से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी या फिर छत से कूद जाएगी। उसके दिमाग में यही ख्यालात चल रहे थे। हसीब वहीं थका हुआ सा सोफे पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा था। सर जैसे फटने लगा था। शादी की पहली रात, जैसे उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ था, सब उल्टा हो रहा था। उसके सर में टीसें सी उठने लगी। वो उठकर किचन की तरफ आया और फ्रिज से पानी की एक बोतल निकाल कर चंद घूंट भरे, फिर आकर सोफे पर बैठ गया। वो शादी की पहली रात उसे छुरी दिखा के गई थी और अब उसके कमरे में जाकर अंदर से लॉक लगा लिया था। उसने बेइख्तियार अपनी कनपटियाँ दबाई। सर दर्द की टैबलेट्स भी कमरे में थी और दरवाज़ा बंद। बाहर नरम तारीख रात खामोशी से सरक रही थी। आधा अधूरा चांद अपनी चांदनी बखेरने की मकदूर भर कोशिश कर रहा था और सितारे जुगनू बनकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे, मगर उसके दिल में उदासी उतरी हुई थी। उसने शेरवानी उतारी और वहीं काउच पर एक कुशन सर तले रख कर आंखें मूंदे सोने की कोशिश करने लगा।